पेपर लीक मामले पर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्विस इलेक्शन बोर्ड अगर पेपर करवा रहा है तब भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो बड़ी ही शर्म की बात है। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए कि कैसे पेपर लीक हुआ और कैसे ये स्क्रीनशॉट बाहर आया। वहीं बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो लोग मेहनत करके पेपर देने जाते हैं उन लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ जाएगा। सरकार को मामले की गंभीरता को देखते हुए पेपर रद्द करने के आदेश जल्दी देने चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर चयन बोर्ड के अधिकारियों की गलती है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो बाकी पेपर भी लीक हुए होंगे। पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े का मामला भी कांगड़ा में सामने आया था लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मेहबाली ने कहा कि सरकार को पेपर रद्द करने के साथ आगामी परीक्षा में युवाओं से बिना फीस के पेपर लेना चाहिए। एक बड़ा बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और अगर जो सबसे प्रीमियम एजेंसी है हमारी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसकी निगरानी में पेपर हो रहा था और वो लीक हुआ, ये बड़ी एक अचंभे की बात है और एक दुख की भी बात है। जहाँ बेरोजगार जो अपनी तैयारी करके गए थे उनकी तैयारी के ऊपर सारे पानी फेंक दिया, और प्रदेश में ऑलरेडी बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो 12 लाख से ऊपर चला गया, तो बड़ी मुश्किल से नौकरियां निकली थी, अब उसको भी लोग जो है नौजवान शक के घेरे से देखने लगे हैं कि किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद करने के लिए ऐसा किया हो। मैं समझता हूँ कि सरकार को अब ये मामला जब सामने आया है, सरकार को तुरंत एक्शन में आकर के पेपर को तो रद्द करें, मगर साथ साथ में जिम्मेवारी किसकी थी और जो लोग इसमें पकड़े जाएं उनको कड़ी और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। सरकार को उनको कंपनसेट करना चाहिए, उसी पीस में आगे से अगला पेपर लें, और ये तो एक है ही, स्वाभाविक है कि जो पेपर ही नहीं हुआ उसकी फीस किस चीज़ की।